मैंने, और एक और चीज करनी होती है ना अपने को। वैसे अब तो कोई आ ही नहीं सकता ना, अब तो कोई जो चीज जिसको जो चैट लिखना लिख दो, क्या अंतर पड़ता है, अब तो कोई अंतर नहीं पड़ता। लिखो भाई, इसको बदतमीजी करनी है, अब तो सारे मेरा आईडी है ना सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो करना है करो अब, ठीक है। अब सर जो वो सिखा बदतमीजी नहीं करनी पाता सर, क्या, चैट बॉक्स का ऑप्शन ही बंद नहीं है। है। हाँ हाँ सर, चैट मैं, बॉक्स हाँ सही नहीं डिसेबल्ड है, है। हाँ मैंने, याद आया मुझे, मैंने हटा दिया था उस दिन, ठीक है। अब क्या करो यार, मतलब बदतमीजी की लिमिट होती है। मैं पढ़ाऊं कि बैठ के व्योमकेश बक्सी बनूं यार, मतलब तुम लोग पता नहीं जानते हो क्या व्योमकेश बक्सी, या मतलब शरलक होम्स बनूं, यही थोड़ा ना काम है यार, ठीक है। और अनोटेशन वगैरह भी सब बंदी होगी, पता नहीं, आई डोंट केयर, जिसको जो लिखना है लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता मुझे, बिकॉज तुम लिखोगे मेरे पास सब मालूम चलेगा कौन लिख रहा है, ठीक है। एनीवेज अपन पढ़ाई कर, अब अपन सीरियसली पढ़ाई कर सकते हैं इस वक्त, ठीक है। और देखो क्या है, 2 into 3, पहले आपको एनएट टर्म टारगेट करना है, ठीक है। हो सकता है इस क्वेश्चन में बड़ी इजीली आपको एनएट टर्म दिख रहा हो, ठीक है, आपको क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप फंसो मत उस चक्कर में, बिकॉज दैट्स अ ट्रैप क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन में आप सोचते हो ना, अरे ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन होता क्या है ना, उसी क्वेश्चन पे ही बेस करके टफ क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। अभी देखो एनएट टर्म कैसे पकड़े, इसमें पैटर्न देखा जाता है। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ध्यान देना, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पे सेकेंड टर्म है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पे थर्ड टर्म है और यहाँ पे 4 है ना। तो ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है और ये टर्म 3 है। आपको कुछ फील आ रही होगी क्या, टर्म 1 में 2 आ गया, टर्म 2 में 3 आ गया, टर्म 3 में क्या आ गया, 4 आ गया, समझ रहे हो। यस तो अपना 2, 3, 4 का अपने को nth टर्म निकाल ले अपन, ये तो एपी है ना, तो एपी का, ये तो एपी है, ध्यान देना विनीत, ध्यान सुनना, ये एपी है, तो एपी का अपन nth टर्म पकड़ते हैं। nth टर्म क्या होगा, 2 + n-1 × 1, कितना आ गया, n+1, दिस इज योर tn, ये आपका क्या आ गया, tn आ गया, इतना क्लियर है, ठीक है। ये टीएन नहीं आया, ध्यान दो, ये टीएन का बस ये वाला पार्ट आया है, ये टीएन का बस ये वाला पार्ट आया है, समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो यस इस पूरी सीरीज का टीएन क्या होगा बेटा, बताओ, n+1, बोलो बोलो, n+1 × n+2। अरे ये तो मालूम है ना कि इसमें प्लस वन करने पे ये आया है, इसमें प्लस वन करने पे ये आया है, इसमें प्लस वन, ये तो मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम है ना, ये हाँ तो टीएन आ गया आपका, तो टीएन कितना हो गया बताओ, n² + 3n+2, ये तुम्हारा क्या आ गया, टीएन आ गया। अभी समेशन निकालना है, s20, s20 क्या होगा बोलो, टीएन n = 1 से n = 20, कितना हो जाएगा बताओ, समेशन n = 1 से n = 20 n² + 3n+2, बोलो भाई क्लियर है क्या। हाँ सर हाँ अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपन ने इसको, 1 से n, n² 3 बाहर आ गया, 1 से 20, 1 से 20 + 2, 1, 1 से 20, ये क्लियर है, क्या हो जाएगा, ये 20 × 21, 2 × 21, 41/6 + 3 × 20 × 21/2 + 1 को कितनी बार जोड़ना है, 20 बार, ये क्लियर है क्या। हाँ सर हाँ समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया है। हेलो यस सर ठीक है, कॉपी करो इसको, हाँ सर हो गया सर नहीं हुआ कर लो, कर लो, कॉपी कर लो।
सर बोलो सर, ये सीरीज का कुछ नाम है क्या? नहीं 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 हम कोई सीरीज का नाम नहीं है, ये बस सॉल्व कर रहे हैं, कोई नाम नहीं है इसका। अब हम समेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं फिलहाल। ट्रिक वाला होमवर्क हो गया है पूरा, बचा हुआ है अभी तक? हो गया सर, हो गया। जिसका नहीं हुआ बता दो, नहीं तो मैं डिस्कस करूंगा फिर उसको। अब आई थिंक हो गया समय उसका, काफी अब दिए हुए, सफिशियंट टाइम दिया है करने के लिए। यस सर। कॉपी सबने कर लिया? हाँ सर। विनीत क्लास में है क्या बेटा अभी? यस सर। हाँ तो अब बताओ मुझे इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई तुमको सोचने में, किस स्टेप पे फंसे हो? नहीं सर समझा। समझा है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी आप लोग वापस से खुद से सॉल्व करिए। थ्री इंटू फाइव इंटू सिक्स प्लस फाइव इंटू सेवन इंटू एट प्लस सेवन इंटू नाइन इंटू टेन अप टिल एन टर्म्स। ऑब्जर्व करो पहले, पहले पैटर्न ऑब्जर्व करो। बोलो क्या मिला? सर कर रहे हैं।
हाँ यू विल, आपको गूगल से अपना जूम अकाउंट जो है ना आपका, वो आपको गूगल से लॉग इन करना पड़ेगा, तो ही आप मीटिंग में एंटर कर पाओगे अभी। कुछ हुआ क्या? बताओ कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो? सर क्वेश्चन आ रहा है, कैसे पहले बताओ। देखिए ये थ्री है, ऑब्जर्व करें, ये थ्री पकड़ा हमने, थ्री ये क्या है, फाइव, ध्यान देना मैं क्या पकड़ रहा हूँ, थ्री पकड़ा, फाइव पकड़ा, सेवन पकड़ा है ना, तो थ्री फाइव सेवन, समझ में आ रहा है? तो इसका पहले nth टर्म निकाल लो, तो इस सीरीज का ये तो एपी है ना, थ्री फाइव सेवन, तो इसका nth टर्म क्या होगा, थ्री प्लस बोलो n माइनस वन इंटू टू, अरे क्लियर है क्या? Yes, तो क्या आएगा, क्या आ गया, टू एन प्लस वन, चमका। तो अब मेन सीरीज का tn क्या होगा बोलो, टू एन प्लस वन, और ये थ्री ये क्या है, प्लस टू है ना, ये क्या है, प्लस टू है, तो क्या हो जाएगा, टू एन प्लस थ्री, और ये क्या है तुम्हारा, टू एन प्लस फोर, प्लस थ्री है, ये भी प्लस थ्री है ना, तो क्या हो जाएगा, टू एन प्लस फोर, बोलो भाई क्लियर है क्या? हाँ है ना। तो टी एन कितना आ गया बताओ, मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है बोलो, एट एन क्यूब, एट एन क्यूब प्लस थर्टी टू एन स्क्वायर, थर्टी एट एन प्लस प्लस ट्वेल्व। अब इस पे क्या करना पड़ता है अपने को, समेशन, एन इज इक्वल टू वन से एन इज इक्वल टू एन बोला है क्वेश्चन में, एन इज इक्वल टू वन से एन इज इक्वल टू एन बोला है, तो क्या आपका आंसर आ जाएगा बोलो, एट इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थर्टी टू इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, जगह नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूं ऐसा, ठीक है, 38 n का क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और 12 का क्या बन जाएगा, 12 n, ये क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। अच्छा कॉपी कर, कॉपी करिए, कॉपी करिए, सर बोलो, सर आप इसको n इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री क्यों नहीं लिख सकते, n n से, अच्छा तुम जो कह रही हो जो लिखते, तुम क्या बोल रही हो बोलो, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस थ्री, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस थ्री, ठीक है, प्लस अच्छा, n प्लस वन, क्या बोलते हैं, n इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, चलो ठीक है, n इक्वल टू वन डालो, टर्म वन मैच हो रहा है क्या, n इक्वल टू वन डालो, टर्म वन मैच हो रहा है क्या, नो सर, समझा, ठीक है, तो इसलिए पहले nth टर्म लिखना जरूरी है, रब करे क्या, कॉपी कर ले, हाँ सर, सबने कॉपी कर लिया है क्या, सर दो मिनट से, हाँ हाँ कॉपी करो, सर उसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म मैच नहीं होगा, लेकिन फिर वो वाला तो माइनस कर सकते, तो हो जाएगा, नहीं नहीं कैसे मैच होगा, नहीं मैच होगा, मैं कह रही हूँ कभी कुछ भी मैच नहीं होगा ना बेटा, n इक्वल टू थ्री डालोगी तो तुम्हारा थर्ड टर्म कहाँ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, कॉपी कर लिए, कॉपी कर लिए क्या, यस सर, एक काम करते हैं थोड़ा सा, और तुमने तुम्हें एनएस टर्म निकालो, सम तो निकालना, सम निकालना बड़ी बात थोड़ी ना है ना, वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस थ्री इंटू फोर इंटू फाइव प्लस
फोर्थ क्वेश्चन, सेवन इंटू ट्वेंटी वन, नहीं नहीं बेटा वो तो आप nth टर्म मान लो ना, 20 टर्म मान लो, ठीक है, सेवन इंटू ट्वेंटी वन प्लस एट 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 नाइन इंटू ट्वेंटी सेवन, ये सबका खाली nth टर्म लिखना है। नहीं नहीं बेटा एंड तक आंसर निकालना, आंसर निकालो अब तो ना, अब तो एंड तक कैलकुलेशन करेंगे अब तो, मतलब जैसे आईटी पे क्वेश्चन आते हैं ना आजकल, एंड तक गंदी गंदी कैलकुलेशन आती है आजकल, तो अपन पूरा करते हैं ना। ठीक है सर, ऑब्वियसली आगे बढ़ने के पहले एक बार एनएट टर्म मैच कर लेंगे। ऑब्जर्व करो, आराम से लिखो, एक एक पेज पे एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एनएथ टर्म पहले निकालना सीखो, पहले समझो एनएथ टर्म क्या होता है, ये बात समझ में आती है ना सबको, एनएथ टर्म क्या होता है, जब एन को वन डालेंगे तो क्या आना चाहिए फर्स्ट टर्म, जब हाँ सर वो फोर्थ सम में आपने सेवन इंटू ट्वेंटी वन प्लस क्या लिखा है आपने, नाइन इंटू ट्वेंटी सेवन, आपको nth टर्म का मतलब समझ में आता है ना, कि जब n इक्वल टू वन डालेंगे तो क्या आना चाहिए फर्स्ट टर्म, जब n इज इक्वल टू वन डालेंगे तो क्या आना चाहिए फर्स्ट टर्म, हाँ जब n इज इक्वल टू डालेंगे तो क्या आना चाहिए सेकेंड टर्म आना चाहिए, जब n इज इक्वल टू थ्री डालेंगे तो थर्ड टर्म, ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए, पहले तो आप ये समझो कि एनएट टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे आप कभी भी, ठीक है। क्या है फर्स्ट का nth टर्म बताओ तो क्या आएगा इस बार, सर n इनटू n प्लस 1 इनटू n प्लस 2, हां देखो लेकिन तुमने आराम से निकाल लिया, तुमने डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, जो मैंने बताया सोचो, ये 1 है ना, ये 2 है ना, ये 3 है ना, समझ में आता है, तो ये तो जो ये वाला टर्म होगा ये 1 2 3 वाली सीरीज का nth टर्म चाहिए ना, तो क्या आ जाएगा n आ जाएगा, अब tn क्या हो जाएगा n इंटू कितना आगे है इससे प्लस वन, तो n प्लस वन, पहले आपको nth टर्म लिखना बहुत जरूरी है, और ये क्या हो जाएगा प्लस टू, तो n प्लस टू, आपका tn आ गया, tn कितना आया बोलो, n क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस टू एन, हाँ ठीक है, अब आप मुझे s20 सब लोग निकाल निकाल के बताएंगे, याद रखना अभी हम लोग को नंबर में आंसर चाहिए, ठीक है, एस ट्वेंटी आप कैलकुलेट करेंगे, आपकी ईमानदारी पे छोड़ता हूं, प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर्स, प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर्स, इट विल नॉट हेल्प यू, कोई हड़बड़ी नहीं है अपन को, जिसको जो डाउट है ना, पहले तो आप फ्रैंक होना सीखो मेरे से, आप डाउट पूछो तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है, आप सोचो पनवेल जैसे स्मॉल सेंटर से 26 सिलेक्शन हुई है आईआईटी एडवांस में, बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, तो आप डाउट्स पूछो, हेल्प करेंगे आप डाउट्स पूछना सीखो पहले,
एंड तक आंसर लगेगा भाई, एंड तक आंसर चाहिए इस बार। सर थर्ड का सम मिल गया, कितना आंसर आया नंबर में बताओ? 53130। 53130 130 जान तो आईआईटी क्वेश्चन कैसे पूछती है। फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ S20। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया? इंटीजर टाइप। आप लोग बोलते हो ना सर, जैसे आप क्वेश्चन क्लास में कराते हो, आप तो सब्जेक्टिव कराते हो, एग्जाम ऑब्जेक्टिव लेते हो, यही होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपने S20 सॉल्व किया, अब मुझे मालूम नहीं कि आंसर सही है गलत है, बाकी लोग कंफर्म करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं अपन। सब लोग ईमानदारी से सॉल्व करें। जिनको भी डाउट्स हैं प्लीज पूछिए। 50350 आया। बाकी लोग लेट्स सी, मेजॉरिटी जो मेजॉरिटी कहेगी मैं मान लूंगा। 53130 ही है। ठीक है, यस सर 53130 है। 53130 जिनका नहीं बना है आपका बनना चाहिए। आंसर तो मुझे कभी नहीं पता था ना। सेकंड का nth टर्म कैसे बताएंगे आप लोग? ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है, तो पकड़ ले nth टर्म इसका है ना। क्या होगा बताओ? 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 कितना आ गया? 2n प्लस 5। अब ये जो नंबर 21 है, 27 है, कुछ खासियत है क्या इसकी? है ना, 3 से मल्टीप्लाई है ना, तो आपका जो tn होगा वो क्या होगा बताओ? तो 2n प्लस 5 इंटू 21, तो इंटू 3 इंटू 2n प्लस 5। क्या ये बात चमकी क्या? तो क्या आ गया? 3 इंटू 2n प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 3 इंटू 4n स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20n। ठीक है, तो आपका tn कितना आ गया? 12n स्क्वायर प्लस 60n प्लस 75। तो आपका S20 कितना हो जाएगा? S10 कितना हो जाएगा? समेशन tn n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 20। आई होप आप ये कर, सॉरी n इज इक्वल टू 10 तक, तो 1 से 10। बताओ कितना आंसर आता है? सब लोग सॉल्व करें, बताइए। 8670 आता है। लेट्स गेट कंफर्म्ड विद द क्लास। इनका डाउट्स नहीं, इनका नहीं बन रहा है प्लीज पूछो, सफिशियंट टाइम दे रहा हूं मैं आपको सॉल्व करने का। प्लीज ईमानदारी से पूछो, जितना पूछोगे उतना ही हेल्प कर पाऊंगा मैं। यू नीड टू आस्क द डाउट्स।
और 8670 आता है ओके दैट मींस द आंसर इज राइट सर 8670 ओके थर्ड वाले का भी बताऊं कर ले बोलो बोलो आंसर बोलो 120180 120180 ओके थर्ड वाले में एक बार बता दूं मैं वापस सबको 357 है तो 3 का क्या होगा बताओ 357 तो 357 तो इसका नेट टर्म क्या हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 Which is how much? 2n plus 1. तो आपका tn कितना हो जाएगा 2n plus 1. फिर ये 6 है ये 10 है ना आप अगर दिक्कत आती है तो आप 6 10 की भी सीरीज बना दो 6 10 14 इसकी भी सीरीज है ना एपी वाली तो क्या हो जाएगी बोलो इसका नेट टर्म 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 कितना आ गया 4n plus 2 जो वैसे भी मालूम था हमको कि ट्वाइस द फर्स्ट टर्म था वो है ना और ये 11 कैसे आ रहा है 10 में 11 और यहाँ पे प्लस 1 तो ये छोटी छोटी हाँ ये सब छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करके फायदा होता है क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे कितना आया टीएन 32n² n³ प्लस 6 बीच के टर्म्स बताओ n स्क्वायर और n के साथ क्या आया है 56n² प्लस 32n Okay. Let everybody do and complete the answer. I am giving you extra 5 minutes, 10 minutes. Solve it. सर बोलो सर अगली बार से आप मतलब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने का ट्राई कर सकते हैं क्या पक्का क्यों क्या हुआ बोलो सर वो रात को मतलब विंडो के बाजू में बैठते हैं तो फिर मतलब डार्कनेस आती है और वो व्हाइट बोर्ड पे आंखें दर्द करती है बहुत नहीं चलो क्या बोल रहा है तो समझ नहीं वापस बोल सर ये विंडो के बाजू में बैठने से रात को फिर डार्कनेस आती है ना तो फिर आंखें दर्द करती है व्हाइट बोर्ड से तो ब्लैक मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो तुम जिस जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ ऐसे नहीं पढ़ाऊ जैसे पहले पढ़ा रहा था बोर्ड पे वैसे पढ़ाऊ हाँ सर ठीक है चलेगा मैं तो ये टॉपिक ऐसा था इस टॉपिक में क्वेश्चन आप लोगों ढंग से कॉपी इसलिए मैंने कहा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है सर लेकिन उससे डिफरेंस क्या होगा दोनों तो स्क्रीन पे ही तो देखेंगे दोनों व्हाइट ही बोर्ड हो गए मेरे चमकता नहीं ठीक है हो सकता है उसकी आंखें दर्द कर रही है देख लेंगे
सर हो गया। कितना आंसर है बताओ इसको, फिफ्थ क्वेश्चन का? 120180 ये सही आंसर है क्या? हाँ सर। सब लोगों को क्लियर है अच्छे से? यस सर। हाँ सर। प्लीज पूछ लो यार जिसका डाउट रहता है। ठीक है, Tn इज इक्वल्स टू एन क्यूब प्लस थ्री की पावर एन, फाइंड S20। समझ में आया क्वेश्चन कैसा है ये? यस सर। यस सर। क्या होगा इसमें, कैसा क्या सीरीज बन रही, क्या हो रहा होगा बताओ? पार्ट तो क्यूब वाला बनेगा और एक गुटी बनेगा। हाँ। एक तुम ऐसा लिखोगे क्या बनेगा, एन क्यूब प्लस थ्री की पावर, अगर समय से नहीं समझ में आता है तो ओपन कर देना चाहिए, मेरा ये मानना होता है, एन क्यूब प्लस समेशन थ्री की पावर एन। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम तो इसको खोल देंगे, 1 से 20 1 से 20, हमको फील आ जाएगी ना क्या लिखा है, क्या लिखा है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, अब टिल कहां तक लिखा है, बिल्कुल सिंपल चीज कर रहे हैं, प्लस सेकंड ब्रैकेट क्या लिखा है बोलो, 3 प्लस 3 स्क्वायर अप टिल 3 की पावर 20। ये क्लियर है क्या? Yes, तो आपका sir. क्या आपका क्या बन जाएगा बताओ, 20 इंटू 21 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस थ्री की पावर एन इंटू एन प्लस 1/3, 3 × 3 की पावर 20 − 1/3 − 1। ये क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करो, ये वाला सॉल्व करो। अरे वही तो बोला मैंने कि आईआईटी मद्रास ने पहले अनाउंसमेंट किया हुआ था। ठीक है, तो बाकी आईआईटीज का भी ऐसे ही आता है, सबका चेक कर लो। कौन कौन सी आई आई टी इस बार ब्रांच चेंज अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है,
हर बार कुछ आईआईटीज होती हैं जो ब्रांचेज अलाउ नहीं करती हैं, उनका सिस्टम चलते रहता है, इस बार भी कुछ होंगी अलाउ नहीं करेंगी, तो आपको दिख जाएगा धीरे धीरे खोजोगे तो। जैसे ये मैंने मद्रास का भेजा है, ऐसे ही तुम बाकी सारे 23 आईआईटी का खोजो। ऑब्जर्व हुआ क्या कौन सी सीरीज थी ये? एजीपी। एजीपी कैसे ऑब्जर्व किया बताओ तो? एस टेन क्या होगा बताओ तो? 10 × 2 raised to 1 × 2 + 2 × 2² + 3 × 2³। अरे समझ में आ रहा है? Yes, तो ये क्या है ना, ये तो एजीपी है। एजीपी में कैसे करते हैं, जो भी कॉमन रेशियो होता है उससे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, है ना। तो 1 × 2 क्या बन जाएगा, 1 × 2² 2 × 2² क्या बन जाएगा, 2 × 2³। अरे इतना क्लियर है क्या? तो यहां पर क्या आ जाएगा, 9 × 2⁻⁹। और इधर पे क्या आ जाएगा, 10 × 2⁻⁰। अरे इतना क्लियर है ना? Yes, sir. अभी दोनों को माइनस करेंगे ना, कितना आता है बताओ तो? 1 × 2 + 2 − बताओ क्या आएगा, 2² + 2³। बोलो भाई, 2⁻⁹ − 10 × 2⁻¹। एजीपी का क्वेश्चन एक एग्जाम में भी आया था कि नहीं आया था? यस सर आया था। माइनस एस, तो आपका एस कितना हो जाएगा, माइनस एस कितना हो जाएगा, 2 + आप इसका सम निकाल लो 2² से लेके 2⁹ और −10 × 2⁻¹। ये क्लियर है क्या आपको? सिंप्लीफाई कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। Yes. ये बात क्लियर है? पहले आपको सीरीज को ऑब्जर्व करना ज्यादा जरूरी है। इतना क्लियर है क्या सभी को? कॉपी करिए। सर फाइनल आंसर ढूंढना? नहीं बेटा, 2⁻¹ कहाँ निकालने जाएंगे फालतू को, निकाल तो लेंगे, सिंपल है, 2024 आएगा, बट रहने दो ना, जरूरत नहीं है। हो गया कॉपी करके? भाई देखो, मैं बहुत फास्ट नहीं हटाना चाहता हूँ बोर्ड पर से, ठीक है, क्योंकि मैं नोट शेयर नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के। तो आप लोग बता दिया करो सच सच, कॉपी किया है कि नहीं किया, पूरा नोट्स खराब हो जाएगा। लिख रहे। बोल दिया करो फटाफट, ठीक है। मैं कहा तुम लोग आपस में नोट्स पर्सनली मांग लेते होगे एक दूसरे से, तुम लोग आपसी ग्रुप बना ही रखा होगा एक, तो मेरे ख्याल से उसमें तुम लोग नोट्स वोट्स आपस में शेयर कर लेते होगे, मुझे ऐसा लगता है।
कॉपी कर लिया तो बोलो। हाँ सर कर लिया। सर आपने 2 × 3 × 5 लिखा है, बाद में फिर से 3 × 4 × 5 लिखा है। ओ सर फर्स्ट क्वेश्चन में 3 × 4 × क्या लिखा है? 6। ओके सर। सर वो 13x² की बात क्या है? 21x² सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, इस क्वेश्चंस कॉपी कर लेना एक बार में अभी, ठीक है? 1 + 3x + 7x² + 13x³ + 21x^4 + अप टिल इनफिनिटी -1 से 1।
अभी तक पार्थ नहीं आ पाया यार। सर वो सिक्स्थ क्वेश्चन में 3 की पावर n है ना? हाँ कोई बता दो ना यार, किसी का नंबर है कि पार्थ का, पार्थ या स्वास्तिक का? लोग क्या दिक्कत आ रही है, लोग बोल रहे हैं कि साइन इन क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग फिर अपना। सर मैं यही। कौन है ये? सर पार्थ। तुम आ गए हो? कब का आ गया हूँ? तो मैडम कह रही है कि तुमने कहा कि तुम लॉगिन इशू फेस कर रहे हो। AP1 में भी पार्ट है। AP1 वाला पार्ट, उसका कॉल आया था कुछ, उसका साइन इन नहीं हुआ उसका। हाँ 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 तो ठीक है, हम क्या करें उसका। सो तो बताओ, कोई सिखा देना उसको रात में, आज हम क्या कर सकते हैं बताओ। मैं तो अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करूंगा ना यार, इतनी ज्यादा बदतमीजी अगर बढ़ेगी तो फिर तो दिक्कत है। मैं तो बिल्कुल कूल रखा था सब कुछ, थोड़ा सिक्योर कर दिया चीजों को, अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अभी स्वास्तिक और पार्थ को बताना पड़ेगा मुझे, ऐसे करेंगे। कुछ समझाओ ना उनको, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या मीन कर रहा हूँ, कैसे समझाऊ उनको मैं। यार तुम लोग को ना जूम ना, पहले ना तुमको अपना जीमेल से साइन इन करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू ज्वाइन। फर्स्ट लॉग इन टू जूम अकाउंट यूजिंग जीमेल आईडी, उसके बाद यू कैन ओनली ज्वाइन द मीटिंग। क्लास छोड़ जाएगी इसकी तो फिर। ठीक है तुम लोग सॉल्व करो। तो लास्ट में आंसर्स बताने हैं कि एक साथ, मतलब एक एक हो जाती है वैसे।
कोई कुछ डाउट पूछ रहा था क्या? विदुषी कुछ पूछ रही थी क्या? सर मैं पूछ रही थी कि आंसर्स जैसे जैसे हो जाते हैं वैसे बताने के लिए लास्ट में बेटा, सब लोग फिर डर जाते हैं ना, कि मतलब किसी का आया किसी का नहीं आया, जैसे तुम भी कई बार फंस जाती हो ना, तो पर 15 में टाइम देते हैं, उसके बाद एक बार सेट ऑफ आंसर्स लिखेंगे, ठीक है? लोग फिर पैनिक कर जाते हैं। इसको वही लिख के आ रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन, यू लॉग इन कर ही नहीं रहा है, वो सीधा ज्वाइन करने की ट्राई कर रहा है मीटिंग का, साइन इन लिखा ही नहीं, साइन इन कहाँ किया उसने? उसने साइन इन ही नहीं किया, कैसे समझाऊं मैं इसको? यू हैव नॉट साइन इन टू जूम अकाउंट, जूम अकाउंट में साइन इन करो जीमेल वाला लिंक यूज करके, साइन इन नहीं किए हो, देखो ऊपर लिख क्या रहा है, साइन इन का बटन या साइन अप का बटन। सर आज उसमें साइन अप कर रहे थे तो वो मतलब बार बार नॉट एलिजिबल बता रहा था साइन अप करने में। हाँ क्योंकि साइन इन तो नहीं होगा ना, अकाउंट नहीं है ऑलरेडी तो। हाँ तो साइन अप में फिर कैसे किया तुमने? सर मतलब मैंने उस बाद में साइन इन में गई मैं और मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला और मैंने उसमें डाला फॉरगॉट पासवर्ड, तो उनकी तरफ से मेरे को मिला है कि यू डोंट हैव एन अकाउंट और उन्होंने एक लिंक भेजा, उस पे क्लिक करके फिर साइन अप का एक वेबसाइट उनका क्रोम में एक वेब खुला, लिंक जाके तो उससे जाके साइन अप हुआ। नहीं होता क्या है ना, जब साइन सुन बता रहा हूँ, सुनो जब साइन अप करते हो ना, ठीक है, देखो क्या होता है जब साइन अप, मैं तुमको ना एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, अभी तुम्हें कोई स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं दिख रहा, एक मिनट रुक जाओ, वो वाइट बोर्ड ही दिख रही है। हाँ हाँ हाँ, देखो क्या होता है, आई विल शो यू कैसे होता है। मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे बहुत चीज करनी पड़ जाएगी इसमें, मैं ठीक है न्यू शेयर करता हूँ मैं, फिर आप सबने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है ना? हाँ सर क्वेश्चन कॉपी कर लिया। ये देखो अभी स्क्रीन दिख रहा है सभी लोगों को, ठीक है? जब तुम देखो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, जब तुम साइन इन पे जाते हो ना, ध्यान दो, नहीं जब तुम साइन इन, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है स्क्रीन, स्टॉप शेयर करके एक बार वापस शेयर कर। ओके देखो अभी स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सर दिखा।
ठीक है, देखो अभी मैंने मैंने क्या किया, मैंने साइन इन का बटन दबाया है, ठीक है, अब मेरे पास नहीं है तो फिर मैं नीचे जाऊंगा ना साइन इन विथ गूगल, तुम साइन इन विथ गूगल दबा दो यहाँ पर, ठीक है, और ऑलरेडी ब्राउजर में देखो मैं गूगल लॉग इन कर रखा हूँ, दैट इज द बेस्ट वे टू लॉग इन। समझे, इनका भी डाउट था, क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। हाँ चलो ठीक है, आप सॉल्व करो। योर अकाउंट हैज बीन लॉग्ड ड्यू टू मल्टीपल फेल्ड अकाउंट्स। अरे यार कोई समझाओ इसको यार। अरे भाई नीचे बटन में नीचे बटन है ना गूगल वाला, पहले ब्राउजर में गूगल लॉगिन कर लो और फिर जूम पे जाओ और वहां पर नीचे जाके साइन विथ गूगल दबा दो, आ जाओगे। यार जिन लोग को अच्छे से आइडिया है ना उन लोग फोन करके समझा देना यार इन लोगों को यार। सर अगर उसका वेबसाइट पे जाके नहीं हो रहा तो अगर लैपटॉप या फोन में जूम इंस्टॉल होगा तो ऐप के थ्रू भी डायरेक्टली हो सकता है वो किसी के? हाँ तो ऐप में भी लॉगिन तो करना ही पड़ेगा ना बेटा, उसको बिना लॉगिन किए नहीं पॉसिबल है अभी इस वक्त। हाँ सर ऐप के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं वेबसाइट पर जाना। हाँ ऑब्वियसली। अभी आप लोगों की क्लास जूम पे नहीं होती है क्या? किस पे होती है क्लास? स्कूल की। हाँ वो स्कूल ने ना टॉपर के साथ टाई अप कर लिया है तो अब टॉपर पे होती है। बट वो भी तो जूम पे ही भेजते हैं ना लिंक तो? हाँ सर वही है रैन का। टॉपर तो जूम टॉपर हाँ। का एक अलग से वेबसाइट है तो उसके थ्रू। हाँ उसके थ्रू लेकिन वो भी तो लेकिन जो बैकग्राउंड में जूम ही चलता है, जूम ही चलता है क्या? नहीं ठीक क्योंकि रायन का भी टाई अप हुआ है टॉपर से लेकिन वो जूम का ही भेज रहे क्योंकि रायन का। सॉल्व करो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सोचोगे तो बन जाएगा।
सबने क्वेश्चंस कॉपी कर लिए ना? हाँ सर हो गया। सबने क्वेश्चंस कॉपी कर लिए ना? हाँ सर। ठीक है। संकेत आ गया है क्या तू? सर आ गया, आ गया। कहाँ है? वीडियो ऑन कर। बड़ा क्यों नहीं हो रहा? पास में हो सर। हाँ पास में हो, पास में। हाँ 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 ठीक है। ये मेरा ही आ रहा है बार बार बड़ा वीडियो, पता नहीं। एक मिनट रुक जा। अभी संकेत को बुलाया है मैंने, ठीक है। और किसी को आईडिया है क्या कि इसका वीडियो क्यों नहीं बड़ा हो रहा है? सर स्पीकर व्यू में डाल दीजिए। इतनी सारी चीजें हैं। हाँ थैंक यू। ठीक है। संकेत एक्चुअली पनवेल सेंटर का बच्चा है। इसकी लगभग कितनी रैंक आई थी? एग्जैक्ट 3193। ठीक है। और इससे मिलाने का मेन रीजन यही है कि इसने भी 11th में ऑलमोस्ट वही गलतियां करी थी जो आप लोग भी रिपीट करोगे। ठीक है। तो पहले मैं ही इससे थोड़ा सा बात करता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि क्या क्या गलतियां हम 11th में कर सकते हैं। ठीक है। और संकेत 11th 12th में हमारे यहाँ था और फिर इसने 12th में इसका मेंस में परसेंटाइल अच्छी खासी ठीक ठाक थी और फिर इसने ड्रॉप लिया था बिकॉज इसको IIT जाना था। तो अभी इसकी रैंक आ गई है, IIT के लायक अच्छी रैंक आ गई है। ठीक है। तो जो भी इसकी मिस्टेक्स थी 11th की, संकेत अपने थोड़े मिस्टेक्स बच्चों को बताओ क्या क्या मिस्टेक की थी 11th में। बहुत ज्यादा मतलब स्टार्ट में समझ नहीं आता इतना कि होमवर्क का ये सब करना चाहिए कि नहीं, शीट वो सब छोड़े जाते हैं हम लोग, सब ऐसे बड़ा लगने लगता है और इतना सीरियसनेस भी नहीं रहता कि क्या नोट्स पढ़ना क्या वो सब। टेस्ट के एक दिन पहले ही पढ़ते हैं सब लोग, फिर वापस भूल जाते हैं। डिस्कशन का इम्पोर्टेंस भी पता नहीं चलता कि मतलब होमवर्क डिस्कशन के होमवर्क डिस्कशन जो होते हैं या जो डिस्कस करके जो नहीं आया वो खुद से करना होता है वो सब पता नहीं था मतलब। फिर डाउट्स भी पूछते नहीं है बहुत लोग, बिना होमवर्क के झूठ झूठ में ऐसे कोई नंबर उठा के बोल दिया शीट से, ये डाउट है वो डाउट है। तो तूने अपनी 11th की पढ़ाई में कोई तीन सबसे बड़ी मिस्टेक बता, अपनी मिस्टेक बता, बाकी लोग क्या करते नहीं, तूने क्या क्या मिस्टेक करी थी बता। एक तो स्कूल में ध्यान देने की गलती कर दी थी कि स्कूल का नोटबुक वो सब बना के रख दिया था। ट्यूशन का भले ही छूट जाए स्कूल का थोड़ा बहुत कर लेता था, स्कूल के एग्जाम्स वो सब मतलब फर्क नहीं पड़ता बाद में भी, एंड में मार्क्स सबको उतने ही आ जाते हैं बोर्ड स्कूल के एग्जाम में भी, 11th का फाइनल हो या 12th का फाइनल हो। बाद में मैंने होमवर्क नहीं किए थे, वो तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने शीट्स अच्छे से नहीं किए थे और केमिस्ट्री फिजिक्स छोड़ के बैठ गया था पूरा। मैथ्स में मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स में थोड़ा होता है कि एक दो टॉपिक छूट गए स्टार्ट में कि आगे फिर कुछ आने ही नहीं लगता। ठीक है। तुम्हारी तीन मिस्टेक्स थी। और एक बच्चों को ये बताओ कि मतलब यार एक 11th में उनको एक चीज जो फॉलो करनी चाहिए सिंसियरली, क्या कर सकते हैं बच्चे 11th में? तो सर देखो होमवर्क तो चाहेंगे तो भी बहुत बार होता नहीं, तो मतलब मैं तो इतने बोलूंगा कि डिस्कशन के टाइम बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब चाहे होमवर्क किए हो या नहीं किए हो लेकिन फिर भी डिस्कशन के वक्त ध्यान देना चाहिए। मतलब आर में भी मेरा कभी छोटा हो तो मैंने बस इतना देखा कि JPN सर सॉल्व कैसे कर रहे हैं, मतलब डिस्कशन के टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। होमवर्क करके भी अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर वो भी और एक गलती हो जाती है कि फायदा नहीं फिर होमवर्क का। ठीक है। और 11th में बच्चों को किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस करना चाहिए कि मतलब कोई भी टॉपिक करना कैसे करना चाहिए उनको 11th में बच्चों को पढ़ाई कैसे करनी चाहिए बता, समझा थोड़ा। जब तू और 11th तू अपनी 11th की पढ़ाई में क्या चेंजेस करना चाहेगा, तू आज सोचे वापस 11th में है तो 11th में मैं 11th के NCERT का जो सेकंड पार्ट होता है ना वो मोस्टली कोचिंग में से एंड में छोड़ ही देते, मतलब छूट जाता है कि टीजी थर्मो हो गया, सरफेस टेंशन,
वेव्स वो सब मतलब आईआईटी के लिए बहुत जरूरी है, मतलब उन सबसे एक एक सवाल आ ही जाता है फिजिक्स में, मतलब वो छोड़ दिया तो ट्वेल्थ में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा वो वापस करने का, फ्लूइड्स रह गया वो, और उनके मतलब सवाल भी अच्छे ही आते हैं, मतलब मेरे अभी भी देखो शीट को रही है वो पूरे फिजिक्स के। आर में भी हमारा एंड एंड में हुआ था फेब में, तो टॉपिक यूजुअली दूसरे मेन मेन आरबीडी वो सब करने के चक्कर में वो छूट जाते हैं फिजिक्स में, वो करने चाहिए इलेवंथ में ही कर लेने चाहिए। बच्चों को तो अभी टॉपिक का नाम नहीं मालूम है ना, ये सब टॉपिक बच्चों को क्या मालूम है, सरफेस टेंशन क्या होता है उनको नहीं मालूम है ना। इलेवेंथ के हेलो हाँ सर, इलेवेंथ की पढ़ाई में मतलब अच्छा, तो इलेवेंथ में कितने घंटे पढ़ने का बच्चों को क्या एडवाइस देगा इलेवेंथ में, मतलब अभी तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो तीन चार घंटे का स्कूल टाइम है। अब तुम लोग जब पढ़ते थे तब तो सुबह 7:30 से लेके 12:30 एक तक, फिर 4 बजे से कोचिंग, तो अभी तो इनके पास अच्छा खासा टाइम है, तो इनके पढ़ने का इनको क्या शेड्यूल बनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए इनको पढ़ने का? टेस्ट, पहले तो टेस्ट के हिसाब से मतलब जितना पढ़ा है उसमें हमें देखते रहना चाहिए क्या क्या अच्छे से आ रहा है क्या क्या नहीं, कहाँ कुछ गलतियां है। होमवर्क करने के अलावा जो टॉपिक्स हो चुके हैं उन सब का रिवीजन कंटिन्यूअस रहना चाहिए, नोट्स याद रहने चाहिए पूरे। कैसे रिवीजन कैसे करना चाहिए? मैं मतलब भी होमवर्क से पहले एक बार देखो, कोई टॉपिक पढ़ा दिया, ये हो गया लेक्चर हो गया, सब बोलते हैं कि एक बार नोट्स देख लेने चाहिए जो पढ़ाया आज वो सीख, मतलब होता नहीं है वो कभी मेरे से तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुआ तो भी होमवर्क से पहले एक बार नोट्स, जो भी होमवर्क को एक बार पूरे नोट्स पढ़ लो, फिर ट्राई करो कि बिना देखे कुछ हो रहा है क्या। और अच्छा, बच्चा अगर 2 साल अगर सिंसियरली मेहनत करता है अगर, तो क्या आईआईटी सही में बहुत डिफिकल्ट है क्या 50% मार्क्स लाना, अगर 2 साल ईमानदारी से डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करता है तो? नहीं सर, ये 50% आ ही जाएंगे, मतलब कैसा भी पेपर खराब भी जाएगा ना तो भी वो 45 तक ला देगा अगर सिंसियरली 2 साल पढ़ा तो। ठीक है, पहले अभी बाकी स्टूडेंट्स आप लोग अपना जो पूछना है पूछ सकते हो, पूछो आप लोग क्या पूछना चाहते हो। हेलो, बाकी किसी कुछ पूछ बोलो। जो 2 साल मेहनत की है वो तो एक लॉन्ग टर्म पीरियड है, मींस ऐसे कंटिन्यूअस एकदम सिंसियरली डिसिप्लिन रहना बहुत ही मुश्किल टास्क है, लेकिन जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस को कैसे ओवरकम किया? डिस्ट्रैक्शन मतलब इतना टाइम बचेगा नहीं अगर सिंसियरली ट्राई कर रहे जाने का तो, मतलब रेजो और स्कूल मिला के दिन खत्म ही हो जाते हैं इलेवेंथ के, ऐसा कुछ टाइम बचते नहीं, अगर टाइम निकाल के कुछ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो मतलब सिंसियरली तो नहीं पढ़ रहे, मतलब फिर टाइम तो बिल्कुल नहीं बचना चाहिए कुछ दूसरा काम करने के लिए। इलेवेंथ में वैसे भी बहुत ज्यादा मतलब सिलेबस होता ही है और मतलब इतना परफेक्ट हो नहीं पाता है इलेवंथ होने तक भी, ट्वेल्थ में धीरे धीरे और इलेवंथ का सीख रहे होते हैं, तो टाइम तो नहीं बचता मेरे हिसाब से। और फिर भैया आपने वो जो 2 साल थे उसको कैसे डिवाइड किया, मींस कब रिवीजन, कितने महीने पे रिवीजन, कितने महीने पे वापस 11th स्टैंडर्ड के नोट्स पढ़ने चाहिए? मतलब स्टार्ट में तो इलेवंथ में जैसे जैसे टॉपिक्स हो रहे थे वैसे पढ़ना चाहिए, फिर इलेवंथ में कैसे होता है कि बोर्ड्स होने के बाद थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, मतलब इलेवंथ का फाइनल एग्जाम के बाद 12th शुरू होने के पहले थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तब नोट्स रिवाइज करके सारे डीपीपी का बुकलेट कर लेना चाहिए, मतलब वो बेस्ट रहता है, और डीपीपी बुकलेट कभी नहीं छोड़ने चाहिए, उसमें ज्यादा अच्छे सवाल आ जाते हैं शीट से। और फिर फाइनल ईयर में 12th स्टैंडर्ड के पोर्शन के साथ रिवीजन करना होता है खाली, है ना? हाँ, मतलब तब टेस्ट में वो आधा 11th का आते हैं तब रिवीजन ही करना होता है, और तब के डीपीपीज में भी थोड़ा 11th घुस के आता है, तो तब के डीपीपी बुकलेट तो रेगुलरली करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरा सिलेबस हुआ उसके बाद करेंगे। आपका कोई टॉपिक अनक्लियर था या आपने कुछ मिस आउट किया तो आपने कवर अप कैसे किया? मिस आउट हो जाते हैं तो एंड तक लगते हैं कि नहीं आता यार, कितना भी पढ़े कॉन्फिडेंस नहीं आता उस, मतलब एक्सरसाइज वन कर लेनी चाहिए उसकी कि एक बार नोट्स पढ़ के। मेरे को नहीं आता था तो मैं फिजिक्स में मेनली तो
सब नोट्स पढ़ के सब छोड़ छाड़ के मैं एग्जाम्पल सॉल्व करता था शीट के खुद से, सर ने कराया हो ना कराया हो, मैं इसे बस देखता था क्या टॉपिक है और बस उसके पूरी शीट के एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स कर लेता था। और फिर एकदम लगातार तो आप नहीं पढ़ते होंगे, तो फिर रिलैक्सेशन के लिए क्या करते थे आप? मतलब मैं तो रिलैक्स्ड ही था ना 11th में बहुत, मतलब वही तो गलती थी मेरी। आपकी एडवाइस क्या है रिलैक्सेशन के लिए? मतलब जो फोन वोन मत देखो ज्यादा, सोशल मीडिया से दूर रह सकते तो रहो, मतलब व्हाट्सएप के अलावा कुछ चाहिए नहीं है 2 साल, मतलब आधे होंगे सब इंस्टा पे तो भी जरूरत नहीं पड़ती, एक बार छोड़ दो, 1-2 महीनों बाद तो खुद ही लग जाएगा कि कुछ काम का है नहीं। वो रिलैक्स के लिए वॉक पे चले गए, ऐसा कुछ हो गया वही ठीक रहता है, मतलब टीवी देख लिया थोड़ा, बाकी तो गाने वाने सुन के लगेगा ही रिलैक्स, और कुछ नहीं है। बस ऐसा नहीं कि मतलब बहुत थक जाओ, रिलैक्स करने के नाम पे कुछ ऐसा कर रहे हो कि थक जाओगे, फिर तो बिना पढ़े ही नींद आ जाएगी। अभी तुम लोग फिर वही गलती कर रहे हो, चीजों को पूछ नहीं रहे हो। भैया हाँ, आपने अपना स्लीप साइकिल कैसे मतलब मैनेज किया, सेट किया? अरे मेरा तो स्कूल होता था ना, तो जो होमवर्क कर पाता था वो रात को करके, सुबह तो जल्दी उठना ही पड़ता था, रात को जितना होमवर्क कर पाया जगे तब तक कर लिया। हाँ और एक बात बोलनी रह गई मेरी कि ऐसा मतलब अभी थोड़ा टाइम हो गया होगा 11 शुरू होके, कुछ लोग को लग रहा होगा कि मैं स्टार्ट से ऐसे सिंसियर नहीं हूँ, तो ऐसे बहुत लोग क्या करते कि अभी समझो जो भी टॉपिक चल रहा है वो छोड़ के वो लोग काइनेमैटिक शुरू कर देते, शीट पूरी करने लगते, प्रोजेक्टाइल वो सब, फिर किसी को लगने लगता है कि यार NLM ही नहीं पढ़ा तो फ्रिक्शन नहीं आएगा, फ्रिक्शन NLM नहीं पढ़ा तो वर्क पावर एनर्जी नहीं आएगा, ऐसे नहीं है। मतलब अभी कुछ छूटा है तो वो ट्राई करो, टाइम निकाल के करे, लेकिन अभी के टॉपिक्स मत छोड़ो, वो हो गया बैकलॉग तो हो गया है, बोर्ड्स के बाद टाइम मिलने वाला है, मतलब सर वीडियो रुक गया। हाँ यार वीडियो उसका, मेरा वीडियो रुका, उसका वीडियो रुका है व्हाट्सएप पे, वो ज्यादा अच्छे से बताएगा। क्या करूं मैं इसको, रुको मैं ट्राई करता हूँ, वापस आएगा। नहीं वापस है, सोचता वापस आएगा। लाइट चली गई क्या उसके यहाँ? इसने 11th में गलती करी थी, ठीक है, इसलिए इसने फिर ड्रॉप लिया था 1 साल का, आर फेज में वापस 1 साल पढ़ा था। तो यही आप लोग के बैच को बताना है, आपका बैच भी बहुत अच्छा हुआ है। भाई तू खुद ही लीव हो गया था, नेट चला गया था, वापिस आ। सर वो कह रहे थे कि उन्होंने बड़ी गलती ये थी कि अच्छे से होमवर्क सॉल्व नहीं किया, ये थोड़ी ना कोई ना कोई तो सारे एकदम सिंसियरली होमवर्क तो शायद नहीं करता है, कुछ ना कोई क्वेश्चन छुट्टी डालते हैं।
नहीं लोग करते हैं, लोग करते हैं दिक्कतें होती हैं, ठीक है। और क्या होता है ना कि जैसे कि आपको कुछ ना कुछ होमवर्क वोमवर्क छूट जाता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है बच्चे ना, आप छोटे हो, नाइन्थ में हो ना अभी, आपको नहीं समझ आता है ये बात। जो बच्चे इलेवेंथ में आते हैं ना, तो अपन थोड़ा सा झूठ बोलने की आदत बढ़ जाती है, तो अपन क्या बोल देते हैं ना फैकल्टी को, यहाँ होमवर्क हो गया मेरा, ठीक है। और फैकल्टी को मूर्ख बनाने के लिए आप बोल देते हो कि सर ये क्वेश्चन डाउट है, ऐसा लोग करते हैं, मैंने पकड़ा हुआ है। तो वो इलेवेंथ में थोड़ा बच्चे करते हैं, तो उसी का नुकसान हो जाता है ना। इसी की वजह से उन्होंने ड्रॉप लिया। उसको आईआईटी जाना था, उसका फर्स्ट ईयर की पढ़ाई, उसका इलेवेंथ की पढ़ाई का 10-20% छूट गया था, ठीक है, आ गया ना। हाँ बोल। हाँ तो वही मैं बोल रहा था कि मतलब मेरी यही गलती हो गई, मेरा पूरा फिजिक्स उसमें खराब हो गया था पूरा, कि मैं बैकलॉग बढ़ रहा है करने के चक्कर में पिछले टॉपिक्स करने गया और अभी का छोड़ते गया। और इलेवेंथ में केमिस्ट्री छोड़ बिल्कुल मत छोड़ना कि टफ है या पसंद नहीं है, क्योंकि मतलब एक बार जब लग गया केमिस्ट्री टफ है तो ट्वेल्थ खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर कभी मतलब ऐसे लगता है मार्क्स आएंगे ही नहीं कितना भी पढ़ो फिर। और आईसी पढ़ लेना इलेवेंथ में ब्लॉक्स जो भी है, वरना मेंस भी हो जाएगा, ब्लॉक्स पढ़ने का मन नहीं करेगा कभी फिर। लोगों को मालूम भी है ब्लॉक्स क्या होते हैं, पी ब्लॉक्स डी ब्लॉक की बात कर रहा है ये। हाँ, ठीक है, इलेवेंथ में है ना वो। अच्छा ठीक है भैया, जब आपने वन ईयर का ड्रॉप लिया तो फिर आपके मींस सारे लोगों ने तो सपोर्ट नहीं किया होगा, ये आएगा कोई ना कोई तो पीयर प्रेशर आया ही होगा, कम्युनिटी प्रेशर आया ही होगा, तो फिर उसको कैसे ओवरकम किया? अभी अब गलती की कर दी थी ना, दो साल सिंसियर रह के, तो अब सुन अभी कुछ बोल भी नहीं सकता था, सुन लिया और क्या। वैसे भी कुछ भी करो पेरेंट्स तो बोलते रहेंगे, अभी रैंक भी आ गई तो कम ही लगती है। तो फिर आपके स्टडी मतलब ऐसा कुछ कर परफेक्ट नहीं हुआ, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अभी जेई एस्पिरेंट हो सब लोग उंगलियां करेंगे, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, फर्क नहीं पड़ता है बाद में। वैसे भी आपको आपकी एक सीट चाहिए, उसके लिए पढ़ो बस, मिल जाएगी बाद में, जिसको जो सोचना है वो सोचेगा। फिर जो आपने दो साल की पढ़ाई की है उसमें आप फुल्ली मोटिवेटेड हो थे, पूरा टू ईयर मोटिवेटेड थे फुल? मैं मतलब ट्वेल्थ में था थोड़ा कि चलो हो एक साल चला गया है तो अभी करते, ट्वेल्थ में मैंने ट्राई किया कि साथ में करूं इलेवेंथ वो सब, लेकिन हुआ हो नहीं पाया मेरे से, मतलब मैच छोड़ दिया फिर मैंने एंड में। लेकिन नहीं अगर बहुत मन होता है ना जाने का तो मतलब ऐसा जरूरत नहीं पड़ती कि कोई कुछ बोले या मोटिवेशन मिले, मतलब मेरा आर ड्रॉप वाले में तो बहुत ज्यादा मन था कि चला जाओ, तो मतलब ऐसा तब किसी को कुछ बोलने की पड़ी जरूरत नहीं पड़ी कि पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है ऐसा। तो मतलब ऐसा नहीं कि 11th 12th में भी होता है कि बच्चों को लगता है कि जाना ही है कुछ भी करके आईआईटी जाना है, मतलब एक बार ये मन में आ गया कि जाना है तो ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मोटिवेटेड ही रहोगे आप दो साल, बाकी कम मार्क्स आए तो भी ऐसा तो मतलब ऐसे कभी आपको ऐसा जब एकदम डिफिकल्ट टाइम्स में थे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा नहीं यार अब तो नहीं हो रहा, अब सोचते कुछ और करते बहुत हो गया? मुझसे फोन में बात कर रहा था भैया, दिन में सोना मतलब नहीं सोना चाहिए दिन में? नहीं नहीं, एक दिन में सो लिया ना तो हो गया, महीनों तक सोने की आदत ही लग जाती है दिन में, ऐसा बिना सोए भी रह ही सकते दिन में, ऐसा कुछ नहीं होता कि एनर्जी बढ़ जाएगी कुछ हो जाएगा, नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा। दिन में सोओगे बाद में आधा घंटा फ्रेश होने में लोगे, फिर बाद में कुछ बचता नहीं है टाइम दिन का ट्यूशन स्कूल छोड़ के। आपने मतलब जो आप दो साल जो प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने अपना कोई टाइम टेबल बनाया था क्या, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे ये करना है? मेरा स्कूल था रे, टाइम टेबल फिक्स था, ऐसा मैं कुछ मेरे हाथ में नहीं था कि मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। शाम को ट्यूशन रहता ही था 4 से 9 और सुबह स्कूल रहती थी, दोपहर को जितना होमवर्क कर सकते थे कर लिया और रात को जितना जाग पाऊंगा उतना करके सो जाता था।
बाकी अब वो भी नहीं तुम लोग को कि स्कूल का अटेंड स्कूल में जाके होमवर्क कर रहे हो टीचर ने पकड़ लिया, मतलब अभी तो ऑनलाइन ही है तो आपने स्कूल का होमवर्क और ट्यूशन का होमवर्क कैसे मैनेज किया? मैंने ट्वेल्थ में स्कूल में नोटबुक बनाया ही नहीं था, जर्नल लिखता था थोड़ा, और ट्यूशन का होमवर्क ट्वेल्थ में करने लगा था मैं, मतलब थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। अरे ट्वेल्थ के बोर्ड में कितने आए संकेत? 91। सीएस लिया था मैंने, उसमें 80 मार्क ही थे, सीएस भी मत लेना, पीई ठीक है। भैया आप कौन से स्कूल में थे? मैं डीएवी में था। जब आपने हमेशा ट्यूशन के होमवर्क को ज्यादा प्रायोरिटी दी स्कूल के होमवर्क से, है ना? ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ में, इलेवेंथ में नहीं, इलेवेंथ में नहीं। हाँ इलेवेंथ में क्यों नहीं मालूम नहीं था। मतलब अभी स्कूल का ऐसा नहीं है सीरियस, इलेवेंथ में लगता है कि यार स्कूल का भी करना चाहिए ये वो, मतलब ट्वेल्थ में लगेगा अरे यार इलेवेंथ में ध्यान भी क्यों दिया था इतना। लगे तो शायद केमिस्ट्री का सुन लिया करो, क्योंकि पहले आधे लोग को केमिस्ट्री पसंद नहीं आती, फायदा ही होगा स्कूल के लेक्चर में सुन लिया तो। बाकी फिजिक्स में तो लोग सिर्फ डेरिवेशन लर्न करो ये सब ही कराते रहेंगे, जिसका फायदा नहीं होगा में। आप इंटीग्रेटेड थे नॉन इंटीग्रेटेड? नहीं डीएवी में था ना मैं, नॉन इंटीग्रेटेड था। सर कुछ पूछना है? बिना नोटबुक के कैसे चला दिया आपने? थोड़ा बहुत लिख देने का ऊपर ऊपर से क्लास, नहीं सबमिशन के टाइम रुकाती थी, सबमिशन के टाइम कभी कभी इंग्लिश की मैम ही रुकाती थी, बाकी तो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से लिख लेता था, मतलब क्लास में जो लिखा होमवर्क कुछ किया नहीं था मैम, बस बोले मेरे टाइम का बोल रहा हूँ अभी, अब का पता नहीं, तब तो मैम बोलती थी करो करो नेक्स्ट वीक सबमिट करो, वो आता नहीं था कि, मतलब मेरे बैच में रह जो कि कितने जन थे जिन्होंने मतलब शायद प्रैक्टिकल फाइनल प्रैक्टिकल के एक हफ्ते पहले जर्नल सबमिट किया था जो स्टार्ट से चेक नहीं था। चल जाता है स्कूल वाले सपोर्ट तुम लोग को ही करेंगे एंड में, ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रिक्टली इसने जर्नल नहीं दिया इसको एग्जाम देने नहीं देंगे, ऐसा कुछ वैसा कुछ कभी होगा नहीं। भैया क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे अवॉइड करें? कल ही करके आया है 400 मतलब 500 रैंक खो के आया है, जो मिस्टेक एक दिन पहले बताई थी मैंने। क्या गलती करी तूने एग्जाम में? कौन सी कल से मिस्टेक थी? 3/2 - 1/2 को 1/2 लिख के आया बंदा, जिसकी वजह से इसके 400 रैंक कम से कम गई। ठीक है तो देखो कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करना डिफिकल्ट काम होता है, और कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड तभी हो सकता है जब आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपको उस पर कॉन्फिडेंस है। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैलकुलेशन मिस्टेक आप हड़बड़ी में करते हो कि यार पता नहीं ये क्वेश्चन सही होगा कि नहीं होगा, चलो अगला बना लेते हैं। जिस बच्चे को चीजें क्लियर है वो कम बना के भी हैप्पी रहता है, और जो बच्चे को थोड़ा सा मन में रहता है कि हो सकता है मेरा ये भी गलत हो जाए तो हड़बड़ी में ना ज्यादा मिस्टेक करके आते हैं अपन। तो कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने का तरीका जो मैंने पाया है वो यही है कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं आता है। आईआईटी जाने के लिए सबसे जरूरी चीज ये होती है कि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं आता है। आता तो सबको सब कुछ आता है, लेकिन क्या नहीं आता है ना ये आपकी सच्चाई होती है, ये बस आपको पता होती है। तो ये चीज पता होनी चाहिए मुझे फाइनली क्या नहीं आता, तो बहुत बात की बातें हैं। ठीक है एनी मोर क्वेश्चंस? भैया अगर स्कूल में अलग टॉपिक आ रहा है रेज्यूमे वो टॉपिक सिखाया नहीं तो उसे कैसे मैनेज करे? एग्जाम तो होगा नहीं ना स्कूल में उस टॉपिक का, जब तक होगा तब तक रेज्यूमे पढ़ा देंगे। नहीं नहीं पढ़ा है तो अभी भी और एग्जाम है स्कूल में, डिलीट हो गया है ना मतलब मैंने मतलब अभी वैसे ही मेरे को
जेपीएन सर पढ़ाते हैं शायद, बोर्ड्स का पढ़ाते हैं वो 11th। हाँ अभी क्या है ना कि अभी, हाँ अभी दिक्कत क्या है ना कि 11th में अभी क्या स्कूल का अपना, अभी हम लोग सितंबर वाले कहाँ पढ़ाते हैं, दिसंबर वाले एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं ना जो होता है स्कूल का। तो वैसे भी स्कूल वाले भी टाइम पास एग्जाम दे रहे हैं, इस एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं है उनका, तो ऑनलाइन एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं उनका तो। और मतलब स्कूल के एग्जाम में ऐसा नहीं कि एकदम एथिकल रहने, मतलब स्कूल के एग्जाम में चल जाएगा अगर छाप लिया तो, मतलब अगर ऐसा है कि घर पे बहुत प्रेशर है कम आ गया है कुछ बोल दिया तो ठीक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, छापना अनएथिकल काम नहीं करना चाहिए लाइफ में, लाइफ में अनएथिकल काम कभी नहीं करना चाहिए। एग्जाम में माँ प्रतीक शेखर फिजिक्स के एग्जाम में, प्रतीक शेखर आपके डीएवी पनवेल का ही था, उसकी 1800 रैंक आई थी और वो ना इलेवेंथ के दिसंबर में फिजिक्स में फेल हो गया था वो डीएवी में ही। कोई अंतर नहीं पड़ा यार, आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहा है और बोर्ड में भी उसके 94% के आसपास आए थे। तो डोंट, अनएथिकल काम नहीं करना चाहिए, मतलब वो पेरेंट्स को आप समझा दो, आप रेजिडेंस में अच्छे मार्क्स लाते रहो, पेरेंट्स को मैं समझा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। फेल हो गए नहीं मतलब सर, करते भी नहीं है फेल। प्रतीक शेखर तो नाल, प्रतीक शेखर करते थे पहले। हाँ अभी ऑनलाइन में वो प्रॉब्लम नहीं। हाँ क्योंकि प्रतीक का इशू डिफरेंट हो गया था ना, वो मतलब वो 4 महीने स्कूल ही नहीं गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर स्कूल ही नहीं गया बंदा भाई, मतलब डीएवी पनवेल नहीं गया वो 3 महीने, यार बहुत बड़ी बात होती है ऐसा टाइप से। तो आपके हिसाब से आप कौन से सब्जेक्ट में सबसे वीक थे? केमिस्ट्री। फिर आपने उसको मींस कैसे बैलेंस करके फिर स्कोर किया? मैंने ज्यादा टाइम बहुत, मतलब मेरे मार्क्स भले ही फिजिक्स मैथ से ज्यादा आए नहीं होंगे केमिस्ट्री में, लेकिन मैंने मतलब बहुत ज्यादा टाइम दिया है केमिस्ट्री को, हर बार मन में वही लगता है कि नहीं आता है नहीं आता है, थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंट रह के पढ़ोगे तो शायद मतलब मार्क्स आने लग जाते हैं एक टाइम बाद। कॉन्फिडेंट रह के पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़ के भी ये सोच रहे हो कि केमिस्ट्री मेरे को आता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, पढ़ के कॉन्फिडेंस लाना चाहिए उस सब्जेक्ट में, मतलब एक फील रहे कि ये ऐसा होगा तो सॉल्व करेंगे, वो मई में अपनी बात के बाद तूने पी बहादुर बनाया था फिजिकल केमिस्ट्री की, नहीं बनाया था एक दो चैप्टर के बाद? सर जो जो वीक था उसका बना लिया था मैंने, मतलब मैंने क्या किया, मैंने पहले सारे फिजिकल के शीट का एक्सरसाइज 2 कर लिया था, तो उसके बाद फिजिकल में उतना बुरा हालत रहा नहीं था, लेकिन तो भी जो में लगा नहीं ना उसका मैंने कर लिया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो कर ही लिया था पूरा, मतलब हाँ एडीएस सर से भी पूछ सकते हो दूसरे सब्जेक्ट का जो आता नहीं है वो सर बता देंगे। नहीं भाई अभी फिलहाल माफ करो। और कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को क्या? आपने शेर के अलावा और कौन सी बुक सॉल्व की थी? मैंने मतलब मैंने शीट ही ज्यादा सॉल्व किए, मतलब ऐसे एचएलपी बच जाता है ना तो वो सब कर, मैथ्स में तो वो सब ही किया है, बाकी जुलोनी वो सब होते हैं तो एडीएस सर बता ही देते हैं। केमिस्ट्री में मैंने अभी लॉकडाउन वो सब हो गया था तो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला था, तब मैंने उसी के लिए एमएस जॉन करके बुक होती है वो सॉल्व की, लेकिन उसका 11th में कुछ काम नहीं है अभी। फिजिक्स में भी मैंने बाहर का कुछ सॉल्व नहीं किया था, मैंने शीट ही किया था। जब आप एग्जाम लेने गए थे तब आपको नर्वसनेस होती थी कोई भी एग्जाम देने के लिए? मतलब अभी ये फाइनल जेई मेंस एडवांस किसी भी एग्जाम में? हाँ होती तो सबको होती है। जिसको नहीं होती हो या तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा तेज है या तो एक्स्ट्रा बेवकूफ है। क्योंकि इन लोग एग्जाम के दिन तो इन लोग से ज्यादा तो हम लोग को नर्वसनेस रहती है कि भाई ये लोग नर्वस मत हो जाए। अभी ये 300 वाले मेंस में पेपर के टाइम ये सब तो सोचना नहीं चाहिए कि ये लंबा है वो लंबा है, मतलब मेरे हिसाब से तो मैंने पहले मेंस के टाइम बहुत पैनिक कर गया था जनवरी वाले रिपीटर्स में कि लंबा आ गया है मैथ्स, तो मेरा बहुत छूट चुका था पेपर, मेरे को एक टाइम पे लग रहा था कि छूट जाएगा, तो मतलब मेंस में वो सब सोचना नहीं चाहिए, जो दिख रहा है वो सॉल्व कर दो चाहे मतलब जिस भी सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स है।
मैंने दूसरे मेंस में वो नहीं किया था, एकदम बिना कुछ सोचे समझे बस सॉल्व किया था, वरना टाइम वेस्ट हो जाता है बस। तब फिर हम दिमाग में प्लान बनाने लग जाते हैं कि अच्छा ऐसा है तो ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, उसमें बस टाइम वेस्ट हो जाता है और गलतियां भी बढ़ जाएगी। फिर आप पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करते हैं? नेगेटिव। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसा अटेम्प्ट करता था। जो कि ऑर्डर मतलब थोड़ा ऑर्डर जो होता है सबका पर्सनल स्पेसिफिक होता है, तो ऑर्डर हाँ ऑर्डर मतलब जनरली ऐसा रखना नहीं चाहिए, कई बार दिक्कत हो जाती है। केमिस्ट्री मतलब नॉर्मली केमिस्ट्री हमेशा पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, उसके लिए केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मैथ्स में अगर कॉन्फिडेंस है तो लास्ट में रखो, नहीं तो मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैथ्स को बीच में रखो, लेकिन केमिस्ट्री प्रेफरेबली वी ऑलवेज से कि पहले करना चाहिए। फिर ये जो आपके टू ईयर का ड्यूरेशन था, एकेडमिक्स के अलावा आपने और कोई चीजें सीखी थी जो आपको लगता है? नहीं टाइम ही नहीं रहता। नहीं जैसे कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर ट्रेट या कोई चीज जो कि आपको लगता है फ्यूचर में मेरे लिए काम में आएगी, जैसे पॉपुलर एक्टिविटीज? नहीं नहीं टाइम नहीं मिलता है। 11th में रेजो डीएवी ले लिया तो वैसे ही सब है, सोशल वो सब जो बचता है वो सिर्फ फिर होमवर्क वो सब ही रह जाता है। कोई नेगेटिव का कुछ तो पूछ रहा था अभी। हाँ मैं पूछ रही थी आप नेगेटिव मार्किंग को कैसे टैकल किया आपने? नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव वर्क में फंसते ही तब है जब हमें लगने लगता है कि हमने अटेम्प्ट कम किया है, फिर हम ज्यादा करने जाते हैं तो सब गलत ही हो जाते हैं। तो एक्यूरेसी इम्पोर्टेंट है ना? हाँ मतलब अभी अभी मेरे साथ बहुत लोग हैं जिनके मेरे जितने पॉजिटिव करेक्ट मार्क्स है एडवांस में, लेकिन फिर रैंक का डिफरेंस हमारा फिर वो नेगेटिव मार्क पे ही आया। मेरे 3 मार्क गए थे नेगेटिव दोनों पेपर मिला के, फिर उनके थोड़े ज्यादा चले गए, वैसे ही इधर एक एक सवाल पे 400-400 रैंक का लॉस हो रहा है, तो फिर इसलिए एक्यूरेसी ज्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब +4 -2 आ गया तो वैसे ही बच के रहो, उसमें ऐसा नहीं कि मैंने कम, मैंने पेपर 2 के फिजिक्स में 18 में से 6 ही अटेम्प्ट किए थे लेकिन वो सारे सही थे, 24 मार्क थे उसमें मेरे को, तो फिर ऐसा दुख नहीं होता। अगर वही मैं और 2-3 करने जाता फिर गलत भी कर देता तो शायद प्रॉब्लम हो जाती वापस। आपने 12 छोड़ दिए थे? हाँ और फिर भी 3000 रैंक है, यही तुम लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, फिर भी 3000 रैंक है। क्वेश्चन छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, 18 में से 12 छोड़ना स्मार्ट डिसीजन था, पेपर टफ आता है स्मार्ट डिसीजन है, यही सीखना होता है, ठीक है। आप सोचो ना इसके परसेंट ऑफ मार्क्स कितने हैं, 166 है, आउट ऑफ 42% मार्क्स हैं, 42% मार्क्स पे 3000 रैंक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द आयरनी ऑफ द फैक्ट, पेपर टफ है, क्वेश्चन छोड़ना स्मार्टनेस होती है, ठीक है। आपको हिम्मत लानी पड़ेगी कि भाई जो मुझे श्योर नहीं हूं पहले जो श्योर हूं वो बना लूं। सुनने में कितना अजीब लग रहा है कि बस 12 क्वेश्चन छोड़े, आप ये सोचो जो 6 बनाए ना उसने 24 मार्क्स आ गए, और इस पेपर में हर मार्क्स की बहुत वैल्यू थी। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे 166 पे 3100 रैंक है और 176 पे 2400 रैंक है, तो 1200 रैंक का डिफरेंस है जस्ट ऑन 10 मार्क्स। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, जस्ट 10 मार्क्स पे इतना डिफरेंस है, मतलब आप सोचो हर मार्क्स पे 100-100 रैंक की एवरेज है। तो क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो नहीं करना चाहिए, और 12 छोड़ना स्मार्ट डिसीजन है, बहुत स्मार्ट डिसीजन। सोचो ना अगर 12 की जगह मान लो 10 ही 5 ही छोड़ के आता, जैसे हमारे एक बच्चा आयुष तर्वे उससे मिलाऊंगा आप लोग को, उसने यही मिस्टेक किया, उसने पेपर में 320 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, बस 320 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, क्या फायदा हुआ, मार्क्स कितने आए 140 मार्क्स आए, रैंक कितनी आई 6000, नुकसान हुआ ना उसका, ठीक है। तो इट्स ए गुड डिसीजन कि हमें क्वेश्चन, और आईआईटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं संकेत, कि मतलब कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ये चुनना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है।
अगर ऐसा question... हो तो ऐसा लगता है 50-50 अगर थोड़ा और टाइम देंगे तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं है मने बनेगा कि नहीं बनेगा, तो फिर नहीं नहीं मैंने वो सब छोड़ दिया था पहले, मतलब उधर जाके लगने लगता है कुछ आता नहीं है 50, तो पहले मैं ढूंढ ढूंढ के कर रहा था कि कौन से टॉपिक्स में श्योर हूँ। तो एक तो इस साल इंटीजर वाला सेक्शन आ गया था जो बहुत ज्यादा ही गंदा था, मैंने वो पूरा छोड़ दिया है। मैंने पहला सॉल्व करने का ट्राई किया, बहुत लंबे इक्वेशन बने थे, फिर मैंने बाकी 5 रीड किए, थोड़ा सा आ रहा है कि नहीं छोड़ दिया, पूरा इंटीजर सेक्शन छोड़ दिया। इंटीजर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता ना? नहीं नहीं इंटीजर में था, न्यूमेरिक में नेगेटिव मार्किंग नहीं था। अभी 11th वाले बच्चे आप लोग सारे पैटर्न से आप लोग को अभी परिचित नहीं कराया गया ना, अभी तो आप लोग को पहली बार मल्टीपल चॉइस आया था इस बार अच्छा वाला, अभी धीरे धीरे आपको फॉर्मेट से खेलूंगा ना मैं, अभी अभी नहीं खेलना शुरू किया है। एक बार में मैक्सिमम कितनी देर बैठ पाते थे, मतलब जैसे एक बार बैठे तो 1 घंटा या 2 घंटा कितनी देर बैठ पाते थे? मैं रेजो चला जाता था, का लेक्चर हो गए पर घर जाके रेजो आ जाता था, बाद में उधर बैठे तो ज्यादा उठ नहीं सकते हो, सर भी सेंटर पे रहते थे मेरे टाइम पूरा, तो हाँ मतलब शाम भर बैठता था, बीच में जब पूरे कैंपस पे ब्रेक है तब निकलता था, तब बाकी टाइम तो नहीं निकलता था, तो इसे पकड़ लो 4 से 6 में बैठा था तो उठा नहीं मैं एक बार भी, फिर ब्रेक के बाद 9-9:30 तक जब तक जहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है किसी का लेक्चर तब तक नहीं उठा। मतलब अगर 50-50 है तो छोड़ देना चाहिए है ना? हाँ। और एक और क्वेश्चन, अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है बड़ा हो या छोटा हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप वो नहीं टारगेट नहीं पहुंच पाए तो फिर आपका मींस कैसा इफेक्ट होता था, फिर आप क्या करते? तो अभी भी नहीं हुआ है जो सोचा था, लेकिन बुरा नहीं होना, मतलब अगर मेहनत पूरी की थी तो बाद में मतलब स्टार्ट में थोड़ा बुरा लगेगा कि अचीव नहीं हुआ, लेकिन मेहनत पूरी की होगी तो कुछ रिग्रेट नहीं रहता, कि तब लगता भी नहीं है कि अरे ये करना चाहिए था वो करना चाहिए था। मेरा पहले टाइम नहीं होता तो लगा था कि क्यों टाइम वेस्ट किया, पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी मतलब थोड़ी रैंक ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन अभी लगता नहीं है क्योंकि मतलब ये जो 1.5 साल था मैंने सिंसियरली पढ़ा था पूरा, कुछ टाइम वेस्ट नहीं किया, तो ठीक है, मतलब मेहनत करोगे तो बाद में सेटिस्फाइड फील हो गए रिजल्ट कुछ भी हो। तो फिर आप अगर वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाए तो फिर आप वापस उस टारगेट के लिए एम करोगे क्योंकि आपको उसका टेन्योर का एक्सपीरियंस आ गया, कि आप दूसरा टारगेट पे एम करोगे जिसको आप जिसके ऊपर आपको 50% श्योरिटी मींस है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा? अभी डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसा है किसका, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, मतलब मेरे को आईआईटी चाहिए था तो मैंने मतलब स्टार्ट में घर वाले बोल रहे थे कि एनआईटी ले लो, लेकिन मतलब मेरे को जाने ही था कैसे भी हो, तो मैंने वापस वही टारगेट के लिए एम किया था। भैया आपके क्लास 12 वाले से कितने रैंक आए थे? मेरी रैंक ही नहीं आई थी एडवांस में, मेरा एक सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था तो इसलिए मेरी रैंक ही नहीं आई थी। लास्ट ईयर मेंस में कितनी रैंक आई थी? मेंस में 24952 24,000 हाँ 97.8% हाँ, अपने को तो, लेकिन अपने को लास्ट ईयर भी एनआईटी मिली जाती ना, एनआईटी हाँ, नागपुर मिल रही थी अपने को, फिर भी अपने हाँ, ड्रॉप लिया था। अपने बिट साइड दिया था इस साल? हाँ दिया था, मतलब हाँ दे दिया था इस साल, मतलब इतना सीरियसली कुछ दिया नहीं था। भैया मतलब अगर ऐसा हो कि आपने अगर मेंस का एग्जाम दिया हो और उसमें अगर आपको अच्छा एनआईटी मिल रहा हो और फिर भी अगर कोई ड्रॉप लेके अगर अगले साल एडवांस ले लेकिन उसका एडवांस में भी अच्छा रैंक ना आए तो अगर वो वापस एनआईटी जाने का सोचे तो पूछ रहा हूँ, मतलब अगर हो गया तो ड्रॉप लोगे तो और एक बार मेंस दोगे ना, तो उस मेंस पे भी डिपेंड करेगा, वैसे तो उस मेंस में अच्छा आ जाना चाहिए, तो एडवांस खराब हो गया अनफॉर्चुनेटली तो बैकअप तो रहेगा आपके पास। ड्रॉप लेने के बाद ना मतलब मैंने तो बहुत सारे एग्जाम दिए थे तो ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, मतलब मेंस ही बहुत अच्छा चला जाएगा ड्रॉप लेके। बाकी अपन
हम लोग सब 11th के बच्चे हैं, हम लोग ड्रॉप की बात कर क्यों रहे हैं यार, मतलब ऐसा लग रहा है मैं 12th के बैच में बैठा, 11th के बच्चे हैं आप लोग, 11th के अपने प्रॉब्लम, आप लोग 11th में बहुत सारी, आप लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं पूछी अभी तक 11th की, आप लोगों को पता नहीं एक्चुअली क्या पूछना है भैया। एग्जाम फेयर कैसे कम गए? कभी नहीं कम होता है। सब्जेक्ट में एंथुजियाज्म मतलब मेरे को केमिस्ट्री में अब तक ओसी में आ गया लेकिन अब तक आया नहीं है मेरा, शायद 3.5 साल पढ़े हैं मैंने फिजिक्स, मेरे को आर फेज मतलब ड्रॉप के टाइम फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया था, पता है मतलब ऐसे पता नहीं कि आ जाता है थोड़ी क्यूरियोसिटी है कुछ अच्छा लग गया उस सब्जेक्ट में कोई पार्ट तो आ जाता है अपने आप, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि ऐसा कुछ किया तो ये इंटरेस्ट आता है वरना नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं समझ में आ रहा है तो सारा सब्जेक्ट अच्छा हाँ मतलब हाँ स्टार्ट में 11th में ऐसा लगता है कि तब कैसे होने लगते हैं कि जिस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं हम उसके ही पीछे है, बाकी दो छोड़ देते हैं, वो सबसे बड़ा पाप है 11th में करने के लिए, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में इक्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक सब्जेक्ट के इस पे आईआईटी में मतलब रैंक नहीं आ पाएगी शायद इतनी अच्छी अगर क्वालिफाई हो भी गए तो, तीनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दो, ऐसा नहीं है कि मेरे को शायद फिजिक्स हार्ड जा रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ या केमिस्ट्री ज्यादा पसंद है तो मैं पूरा दिन केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। अगर कोई एक सब्जेक्ट वीक हो गया अगर हम उस पे ज्यादा टाइम दे रहे तो और अगर बाकी के दो अनबैलेंस हो गए तो फिर मेरा वही तो हो गया था ना इस मेरे पहले 2 साल में वो हाँ मतलब उसका भी एक होता है आपको सर के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि जब हम आप बता दो जेपीएन सर किसी मतलब जो भी सब्जेक्ट के सर है कि मेरा ऐसा ऐसा छूट गया मतलब मेरे से भी अभी उनको ही ज्यादा पता है कि अगर आपका कुछ छूटा है बैकलॉग हो गया है या आपको कब कितना ज्यादा टाइम देना चाहिए। मैं तो 3 साल एडी सर से पूछा हूँ कि केमिस्ट्री नहीं आ रही क्या करूँ, फिजिक्स नहीं आ रही क्या करूँ। अपन तो साथ में 3 से क्वेश्चन भी सॉल्व करते थे लेटर स्टेट वगैरह के। हाँ चलो ठीक है, किसी और कुछ पूछना है क्या? ठीक है, अभी हमको मतलब मंथ में 2 बार ये रहता है टेस्ट रहता है तो फिर उसके जो मार्क्स आते हैं उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब ज्यादा स्कोर करना चाहिए या फिर कंसेप्ट लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? टेस्ट के हिसाब से मत पढ़ो, मतलब बहुत ज्यादा गलती हो जाती है कि जो टेस्ट में सिलेबस आ रहे हम करंट जो भी ट्यूशन में चल रहे वो सब छोड़ के हम टेस्ट के 1-2 दिन पहले से नोट्स पढ़ लेते हैं, वो नहीं मतलब ऐसी आदत तो नहीं लगानी है कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ाए तो ही वो टॉपिक आएगा, इसलिए मतलब जब पढ़ा रहे तब कॉन्फिडेंस ला के रख दो। ये बुरी मेरे को भी बुरी आदत थी कि मैं टेस्ट आ गया तो 4 दिन पहले सब छोड़ छाड़ दिया, सर क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे होमवर्क छोड़ दिया, मतलब पहले की बात कर रहा हूँ, मैं सबके ऐसे सारे नोट्स लेके रख दिया और वो रीड करते बैठ जाता था, उससे फायदा होगा नहीं, अपने शीट का 1-2-3 कर लिया सर ने पढ़ाया तब ध्यान दिया है तो सॉल्व हो ही जाएंगे। टेस्ट पे ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट्स पे ही रहना चाहिए और टेस्ट से बस ये देखो कि आप गलती क्या कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी खराब है तो उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करो या एग्जाम के टाइम कुछ अटेम्प्ट करने में गलती कर रहे हो वो भी इम्प्रूव करने का कोशिश करो। आपके एकदम फाइनल एडवाइस या टिप क्या है जो आपको एकदम मन में रखनी है पूरे वो 2 साल? सिंसियर रहो बस, मतलब 2 साल कंटिन्यूअस सिंसियर रहोगे तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो रोक सके आपको आईआईटी जाने से, जो सिंसियर रहेगा ना 2 साल उसका सर से ही पूछ लो हो ही जाता है, मतलब कुछ भी हो पेपर कैसा भी आए या कुछ भी हो आईआईटी हो ही जाता है, तो बस मतलब ऐसे भटक मत जाना रास्ते से कभी कोई या मतलब कोई सब्जेक्ट ऐसे एक छोड़ के मत बैठ जाना और सर से तीनों सर से इंटरेक्शन रखो पूरा टाइम, अच्छा गायब मत हो जाना पढ़ाई में कि एक दो महीने कुछ बात ही नहीं किया अपने मन से ही पढ़े जा रहे कुछ, 11th में कैसे समझता नहीं है कि क्या मतलब लॉन्ग टर्म
के बाद देख के हमेशा पढ़ना चाहिए। इलेवेंथ में इतना समझता नहीं है कि जो हम दो साल बाद जे एडवांस देंगे उसके लिए क्या बेनिफिट कर सकते हैं, इसलिए सर से पूछ लेना चाहिए क्या कैसे पढ़े। बाकी सिंसियर ही रहो, दो साल अच्छा ही होगा। सारे फैकल्टीज बहुत सारे बुक्स या मॉड्यूल्स वगैरह रेफर करने बोलते थे, तो फिर आप सारे सॉल्व कर पाए? नहीं मतलब हमें तो नहीं बोला, मेरे के मतलब जेपीएन सर ने तो कभी नहीं बोला कि ये बुक देखो वो बुक देखो, लेकिन शीट अच्छे से करो क्योंकि शीट अच्छी है, रेजोनेंस की शीट अच्छी लगी थी मेरे को, शीट अच्छे से करो, शीट हो गई है टाइम है तो एचएलपी से पीछे वो करो, मतलब अभी तो टाइम मिलता नहीं है, 1 2 3 मुश्किल से कर लेंगे कर पाएंगे, शीट करो अच्छे से। बाकी अगर सर को पता होगा कि किस टॉपिक के लिए अगर शीट से ज्यादा बुक करनी चाहिए तो सर वो तब उस टाइम बता देंगे, और अगर मतलब सर ने बोली है कोई बुक करने तो करो, मतलब छोड़ो मत, फिर कुछ सोच के बोल रहे होंगे। आपने एचएलपी सॉल्व किया था? नहीं, मैथ्स में जितना सर ने बोला उतना किया था, केमिस्ट्री में नहीं किया, और फिजिक्स में मैंने ये अभी के टाइम में एक्सरसाइज 2 कर लिए थे सारे, तो अभी तो एडवांस के पहले एचएलपी मैंने बोली थी ना इंटीग्रेशन में वगैरह की, नहीं करी थी क्या? नहीं सर, फिजिक्स मैथ्स का किया हुआ तो बोल रहा हूँ, मैं फिजिक्स का बता रहा हूँ। फिजिक्स में मैंने एचएलपी नहीं किया था, मतलब मेरे को एक्सरसाइज 2 के बाद ही कॉन्फिडेंस आ गया था कि कर सकता हूँ सॉल्व। भैया आपने और सब एग्जाम दिए जैसे ओलंपियाड्स फिर केबीपीवाई? नहीं मैंने नहीं दिया था। ओलंपियाड तो दिया था ना, प्रिया रेमो तो क्वालीफाई हुआ था ना? हाँ प्रिया रेमो, हाँ प्रिया रेमो दिया था इलेवेंथ में, बाकी तो कुछ दिया नहीं। भैया आपने मतलब जब एचएलपी हो गया, मतलब ऐसे आप कब बोल सकते कि ये मेरा हो गया आता है मुझे? नहीं मतलब पढ़ के तब लगेगा हो गया, अगर बाय चांस उसका एग्जाम में सवाल नहीं बना बाय चांस तो फिर वो हो जाता है यार नहीं आता, मतलब स्ट्रांग हो सकते टॉपिक लेकिन हो गया ऐसा नहीं है, सवाल तो अलग अलग सवाल बनते ही जाएंगे, फील या कॉन्फिडेंस की बात रहेगी उस टॉपिक में कि आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं कर सकता हूँ सॉल्व, तो हो जाते एग्जाम में सॉल्व, आधा अधूरा पढ़ के वो टॉपिक, फिर तो एग्जाम में हमेशा ही लगेगा कि गलत कर रहा हूँ या सॉल्व क्वेश्चन रीड करके ही लगेगा कि ये सॉल्व होने नहीं वाला है। चलो भाई हो गया, खाना ना खाते हैं, सपोर्ट सब कुछ क्लियर है ठीक है, और भी ऐसी मैं मीटिंग कराते रहूंगा अभी 10-15 दिन तक, आई थिंक सब लोग सब कुछ पूछ लिया होगा ना फिर ठीक है। चलो थैंक्स संकेत, थैंक यू भैया। अभी मैंने आप लोगों को जो ये क्वेश्चन लिखे ना 8 क्वेश्चन ये, और ये अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में आप ये करके आइएगा, और आप लोग सबका ट्रिग्नोमेट्री वाला हो गया है क्या फाइनली बताओ, मैं डिस्कस करना है मेरे को, अब जब मैं बोलूंगा डिस्कस कर दूंगा, सबका हो गया है क्या? सर थोड़ा बचा है। थोड़ा बचा है, खत्म करो फिर ठीक है, खत्म करो और नेक्स्ट क्लास में ये 8 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ठीक है। यस चलो बाय बाय सर, बाय।